मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड की क्वीन कंगना अपनी फिल्मों से ज्यादा इन दिनों अपने पुराने किस्से और विवादों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। एक तरफ ऋतिक और उनकी बहन सुनैना को लेकर तो एक तरफ आदित्य पंचोली को लेकर। सालों पुराना कंगना और आदित्य का विवाद एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। दरअसल कंगना के आदित्य पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद आदित्य ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसके चलते कंगना दलदल में फंसती चली जा रही है। खबरों की माने तो कंगना के खिलाफ मुंबई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसकी जानकारी ANI ने ट्वीट करके दी है। बता दें कि नोटिस सिर्फ कंगना के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि उनकी बहन रंगोली के खिलाफ भी है। कंगना और आदित्य के केस में कोर्ट ने कुल 4 नोटिस जारी किए हैं, जिनमें एक कंगना और आदित्य, आदित्य और रंगोली, जरीना वहाब और कंगना, और जरीना और रंगोली के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले की इस अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी, जहां कंगना का पहुंचना बेहद ही जरूरी है। खास बात तो ये है कि इसी दिन उनकी फिल्म मेंटल है क्या भी रिलीज होने वाली है, जिसमें उनके साथ राजकुमार राव नजर आएंगे। वेल, तो ऐसे में अब कंगना क्या करती है ये देखना दिलचस्प रहेगा।